हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट माउस है। इसको मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, तो उसमें इतना कम था कि अभी सोल्ड आउट दिखा रहा है। वो देखने में बहुत बढ़िया है ट्रांसपेरेंट। जब भी मैंने देखा था, आप देख सकते हो इसका पूरा प्योर व्यू, आप देख रहे हो इसमें इसके अंदर में क्या है, कैसे है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मेरे को भी अच्छा लगा था और मैंने रिव्यू भी देखा था, बहुत अच्छा है, तो मैंने भी एक ऑर्डर कर दिया। अभी सोल्ड आउट दिखा रहा है, बहुत दिन से सोल्ड आउट देख रहा हूँ मैं। जब भी मैंने ऑर्डर किया था उसके बाद ही ये सोल्ड आउट हो गया उसका, तो फाइनली मेरे पास ये आ गया है। तो मैं आपको दिखा रहा था इसको अनबॉक्सिंग करके, मैं कैसा लगता है ये आपके सामने लाइव अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देखिए, देखने में बहुत ही बढ़िया है ये। देखिए आ गया, बहुत छोटा लग रहा है, यहाँ पे देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है बट यहाँ पे छोटा लग रहा है, लेकिन बात नहीं है, इतना बड़ा तो नहीं होता माउस, इसका खोलने के बाद पता चलेगा। चलो इसका काटना ही पड़ेगा इसको। ये कट क्यों नहीं रहा है? देखिए इसके अंदर है और कुछ नहीं है, ये केबल दिया हुआ है, ये चार्ज के लिए शायद, हाँ ये चार्ज के लिए होगा, यूएसबी केबल दिया हुआ है टाइप सी का। और देखिए अभी इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और इसको, हाँ वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने, पूरा स्मार्ट है। देखिए पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, इतने दिन मैंने माउस देखा था लेकिन पूरा इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये इतना अपडेट हो गया कि ट्रांसपेरेंट मिल गया। अभी इसमें रिस्की है कि अगर आप हाथ से गिर जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा टूट जाएगा। इसको आपको सेफ में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें वायर भी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे उसके छोड़ने के बाद भी ये लग जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। अगर ये यहाँ पे गिर जाएगा तो टोटली तो इसको भी ओपन कैसे करता है मैं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे शायद ये ऊपर से होगा, यहाँ पे तो गाइस देखिए इसको ओपन कैसे करना है। अभी इसको ओपन करने के लिए मैंने बहुत ढूंढा, बाद में देखता हूँ कि इसके मैग्नेट लगा हुआ है इसमें, तो इसमें यहाँ पे खींचने से ये ओपन हो जाएगा। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे बंद है, बहुत अच्छा सिस्टम है, अभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ओपन हो गया। इसमें देखिए एक यूएसबी है, इस यूएसबी को मेरे को निकालना पड़ेगा और मेरा माउस की सीपीयू में इसको लगाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस इसके यूएसबी को मैंने यहाँ पे मेरा सीपीयू में इसको इंसर्ट कर दिया, तो अभी इसको फिर से लगा दिया। देखिए ये रेडी है, तो पीछे शायद इसका ऑन ऑफ है, हाँ देख लेता हूँ, हाँ ये ऑन हो गया। देखिए यहाँ पे ये ऑन ऑफ होता है, ऐसे क्वेश्चन से ऑफ हो जाएगा लिखा हुआ है और इस तरफ ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये ग्रीन लाइट ऑन हुआ है, हाँ तो यहाँ पे देखिए ऑन हो गया पूरा। देखिए यहाँ पे RGB भी है, इसमें कलर भी है, हाँ देखिए पूरा काम कर रहा है यहाँ पे, वो बहुत स्मार्ट है। कोई भी टच इसमें टच करने से कोई भी साउंड नहीं करता है, मेरे पहले इसमें एक साउंड आता है इसमें। ये भी अच्छा डेल का, ये डेल का माउस है, बहुत अच्छा ही है, लेकिन ये जो माउस है बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि इसमें कोई भी साउंड नहीं है, इतना सॉफ्ट है, कोई भी साउंड नहीं है, देख सकते हो आप, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है इसमें और इतना स्मूथली काम करता है वो, इससे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए ये यूज़ हो रहा है, लेकिन ये मैं जब यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ही स्मार्ट लग रहा है यूज़ करने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करने में भी। लेकिन इसका यह कि प्रॉब्लम होगा कि इसको सेफली रखना पड़ेगा, अगर आप इसको मिस यूज़ करोगे या फिर रफली यूज़ करोगे तो ये टूट भी सकता है, अगर गिर जाएगा तो ये टूट जाएगा, और टूटने से ये इसका कोई भी मायने नहीं रखेगा, कोई भी मीनिंग नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये अगर टूट जाएगा तो आप काम कैसे करोगे, हाथ से काम नहीं कर पाओगे, इसलिए बेकार हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसको सेफ रखना पड़ेगा। देखिए मैं भी काम कर रहा हूँ इस पर, तो अगर आप भी ऑर्डर देना चाहते हो तो उसको नोटिफाई करके रख सकते हो फ्लिपकार्ट में जाके, तो अगर जो भी आएगा तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 699 इसके रेट है। इसको अगर ऐसा माउस भी आप खरीदोगे तो 599 ऐसा ही हो सकता है, लेकिन आपको 100 ज़्यादा देने से आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही स्मार्ट है ये। देखिए आप बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, थैंक यू।